भारत था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, तब हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार नहीं थे। ये आजाद भारत है। यहाँ षड्यंत्र से शिक्षा महंगी की गई है, यहाँ शिक्षा महंगी है, मौत आसान है, सस्ती मौत, महंगी शिक्षा सस्ती मौत। और नौकरी के लिए जो करना पड़ रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि अगर नौजवान अपनी मांग इस सरकार से नहीं रखेंगे तो क्या वो अपनी मांग रखने के लिए किसी दूसरी सरकार से मांग रखेंगे? क्या वो अमेरिका वालों से मांग करें अपने हक के, अपने अधिकारों की? क्या वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वालों से बात करें? क्या वो श्रीलंका, नेपाल, चाइना के लोगों से बात करें? ये सरकार आखिर नौजवानों की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? उस नौजवान की बात जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, जो नौजवान इस देश की रक्षा करता है सीमा के पर खड़ा होकर, जो अपने जान का बलिदान देता है, उस नौजवान को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? अगर उसका सबसे बड़ा कारण मुझे समझ आता है तो वो ये है कि सरकार नौजवानों को गुलाम समझती है। सरकार हमें जातियों, धर्मों में बांट के राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को देना नहीं चाहती। आप इलेक्शन का समय देखोगे, हर आदमी कहेगा 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। लेकिन आप नौजवान साथी हो तो सोचो, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे सरकारी? जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरह से सरकार सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, आप सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हो प्राइवेट के लिए? जरा हाथ उठा के बताना, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन सी नौकरी के लिए लड़ रहे हो? लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी भाई? सरकार अब बैंकों के पीछे पड़ी है, उससे पहले LIC के पीछे थी, एयर इंडिया के पीछे थी, सरकार एयरपोर्ट बेच रही है और तमाम तरह की चीजें जो सरकार डिपार्टमेंट सरकार बेच रही है। आखिर सरकार को नौजवानों से इतनी नफरत क्यों है? आखिर सरकार नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? आखिर सरकार जानबूझ के नौजवानों को कमजोर क्यों बना देना चाहती है? मैं रात भी सुन रहा था और अब भी सुन रहा हूं, यहां जो बहनें बैठी है ना, किसका 3 महीने का बच्चा है, किसी का 13 महीने का बच्चा है, किसी के 3 साल का बच्चा है। अगर ये सरकार मजबूर, लाचार बहनों की, बेटियों की, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती तो ये सरकार है किसकी? जो युवाओं को नकार दे वो क्या युवाओं की सरकार हो सकती है? जो युवाओं को मरने पे, तड़पने पे, सड़कों पे, पड़ने पे, भूखे प्यासे रहने पे मजबूर कर दे, क्या वो युवाओं की सरकार हो सकती है? जिस सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग, RAF के लोग, जो और फोर्स के लोग है, वो बहनों के कपड़े फाड़े, उनको लाठियां मारे, उनको बेइज्जत करे, उनके हाथ तोड़ दे, वो सरकार बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जो सरकार बहनों से उनके तरक्की के रास्ते छीन ले, जो सरकार नौजवानों से देश की सेवा करने का अधिकार छीन ले, वो सरकार नौजवानों की या बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की, किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रगड़ गए आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है, आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमें सरकार को बताना पड़ेगा
कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है, और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी झूठी युवा विरोधी महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की मांग जरूरी है? क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें, वहां क्यों नहीं बांट रहे हो? यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीदने हैं, गरीबों को बेबसों को कमजोर बनाना है, उनके हक अधिकार वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत वो ठगनी है पैसे पे या उपहार देके या राशन पे, इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हो। आपको ये 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहने और भाई नहीं दिखाई दिए आपको? क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहे बहने हमारे सामने कहे कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी और एक साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानी आई, उनको अपराधिक आ गया, उनको नक्सली खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे गोली मारे, आज आप पलट के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पे सख्ती हुई परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते हैं? यहां वर्दी पहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं, क्या अपने हक की मांग करना? अगर आपको जो लोग नौकरी में है, सेवा में है, फोर्स में, अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी रोटी के लिए भूखे मरने लग जाएं, उनकी पढ़ाई उनकी फीस ना जमा हो, उनके पास कपड़े ना बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? है जवाब आपके पास? अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी माँ का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में कपड़े लेके देने और आपको ये सरकार तनख्वाह ना दे, तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान कलर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इनके बीच में आज इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, मैं पढ़ लिख के BA MBA MCA करके PhD करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप, यहाँ जो बैठा ना वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पे नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए, ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है, ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हल। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, और कितने तथाकथित हिंदू हैं, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिष्क्रिया भी नहीं सुन रही, उनका दर्द भी नहीं सुन रही, तो क्या ये हिंदुओं की सरकार है? नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें,
रोजगार उत्पन्न करें, रोजगार तैयार करें और उड़ने का मौका दें नौजवानों को, खुल के जीने का मौका दें उनको, अपने अवसर प्रदान करें कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करें, टैक्स दें। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ने आते हो तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों, ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए, अब गरीब किसी से रुकेगा नहीं, अब गरीब ज्यादा दिन मांगेगा भी नहीं, क्योंकि जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं, मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। इनकलाब युवा जाग चुका है। हम शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं। हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के बच्चे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। सरकार को सरकार सुन ले।